नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री विनोद सिंह का सोमवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण विनोद सिंह लंबे समय से बीमार थे। विनोद सिंह की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को उसकी जगह पहले ही प्राणपुर से विधानसभा चुनाव का टिकट दे रखा है। बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह को 16 अगस्त को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। विनोद को पहले पटना के रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया था। एएमआरआई रिपोर्ट के अनुसार उनके ब्रेन में दो जगह ब्लड क्लॉट होने लगा था। वहीं इससे पहले 28 जून को हुई कोरोना जांच में विनोद सिंह और उनकी पत्नी निशा सिंह की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। अगली बड़ी खबर, राजद कल से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहा है। जी हां, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक साथ रोसड़ा की रैली में हुंकार भरेंगे। तेजस्वी यादव पहले अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के लिए हसनपुरा जाएंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों रोसड़ा में चुनाव रैली में भाग लेंगे। 10:30 बजे तेज प्रताप यादव पर्चा भरेंगे। इसके लिए तेजस्वी हेलीकॉप्टर से रोसड़ा पहुँच रहे हैं। तेज प्रताप यादव अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उनकी रैलियों पर सबकी निगाहें रहती है। तो वहीं दूसरी ओर, राजद ने सोमवार को झारखंड के जेल में बंद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को छपरा से टिकट दिया है। तो वहीं बिहपुर से भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल को टिकट मिला है। इसके साथ एक नियोजित शिक्षक अविनाश मंगलम ऋषिदेव को भी पार्टी ने टिकट दिया है। वह रानीगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोजपा से खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली केसर के बेटे यूसुफ केसर को भी राजद ने सिमरी बखियातपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी मुकेश सहनी से उनका अगला मुकाबला होगा। तो अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आरजेडी ने 32 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इन उम्मीदवारों को पार्टी ने सिंबल दे दिया है। जल्द ही ये उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे, जबकि कई उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन भी कर लिया है। आइए जानते हैं सभी 32 उम्मीदवारों के नाम। तो सबसे पहले है हाई घाट से भोला यादव, उसके बाद लोरिया से शंभु तिवारी, नरकटिया से डॉक्टर समीर अहमद, मोतिहारी से ओम प्रकाश सहनी, रानीगंज से अविनाश मंगलम ऋषिदेव, जोकीहाट से सरफराज आलम, सिकरी से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन, ठाकुरगंज से सऊद ससरान नदवी, बायासी से अब्दुल सुभान, बनमखनी से उपेंद्र तथा मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, ढाका से फैसल रहमान, परिहार से रितु जायसवाल, सुरसन से अबू दोजाना, बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव, लोकाहा से भरत मंडल, निर्मली से यदुवंशी यादव, पिपरा से विश्वमोहन मंडल, त्रिवेणीगंज से संतोर सरदार, नरपतनगंज से अनिल कुमार यादव, सहरसा से लवली आनंद, महेशी से डॉक्टर गौतम कृष्ण, फिर गायघाट से निरंजन राय, बोचहा से रमई राम, कुडनी से अनिल सहनी, मोरवा से रणविजय साहू, सरायगंज से अरविंद कुमार सहनी, बेलसन से संजय कुमार गुप्ता, रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव, और फिर अंत में बीरपुर से बुलो मंडल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 732 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,97,000 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,829 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 217 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कुल मरने वालों की संख्या राज्य में 946 तक पहुंच गया है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1217 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके साथ राज्य में अब तक कुल 184,204 हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की साजिश के आरोप में बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज रिवीजन वाद में सोमवार को एडीजी प्रथम ने फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली समेत 7 आरोपी को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। मामले में बीते 7 सितंबर को आरोपित फिल्म अभिनेता सलमान खान के ही अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इस कारण सलमान खान को छोड़ शेष 7 आरोपितों को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है। इसमें संजय लीला भंसाली के अलावा करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, भूषण कुमार, एकता कपूर व दिनेश विजयन के नाम शामिल है। नोटिस में सभी को कोर्ट में 21 अक्टूबर को अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुबह 10:30 बजे उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर 15 अक्टूबर तक बिहार आएगी अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां। दूसरे चरण में बिहार आने वाले अर्धसैनिक बलों में सबसे अधिक सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की कंपनियां शामिल है। तीनों बलों की 65-65 कंपनियां आ रही है। इसके अलावा सीआईएसएफ की 60, आईटीबीपी की 30 और आरपीएफ की 15 कंपनी शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में तबाही मचाने की नक्सलियों की मंशा को जमुई पुलिस ने भंग कर हासिल की भारी सफलता। जी हां, विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के सहयोग से सोमवार को जंगलों से लगभग 40 केजी अमोनियम नाइट्रेट नामक विस्फोटक बरामद किया है। कार्रवाई झाझा थाना के नक्सल प्रभावित मनिकात नाव गाँव से की गई है। आपको बता दें कि बिहार में झाझा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव पहले चरण में यानी आगामी 28 अक्टूबर को होना है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई एक बार फिर 10वीं और 12वीं का सिलेबस कम करने जा रहा है। जी हां, बोर्ड के माने तो सिलेबस में 20% की कटौती की जाएगी। इससे पहले जुलाई में सिलेबस में 30% कम किया जा चुका है। बोर्ड अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में कुल 50% सिलेबस में कटौती करने का विचार कर रहा है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू होने जा रही है। इससे पहले सोमवार को कटअप भी जारी कर दिया गया है। पहले दिन बीए के लिए काउंसलिंग होगी, बीएससी के लिए काउंसलिंग 14 अक्टूबर को होगी और सबसे अंत में बीकॉम के लिए 15 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। वहीं दूसरी ओर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर नामांकन इंटर के प्राप्तांक के आधार पर होता है। यहां भी तीसरी मेगा सूची जारी हो चुकी है। विश्वविद्यालय में भी तीसरी सूची के आधार पर नामांकन के बाद स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कोई तारीख तय नहीं की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के 9 वरिष्ठ नेताओं को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई 6 वर्षों के लिए की गई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने निलंबन किया है। पार्टी की कार्रवाई की जिद में आने वाले नेताओं में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया के अलावा उषा विद्याती और अन्य नेता शामिल है। जिन नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है उनमें से रोहतास के राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया पटना से, उषा विद्याती अनिल कुमार के नाम शामिल है। वहीं झाझा से रविंद्र यादव, भोजपुर से श्वेता सिंह, जहानाबाद से इंदु कश्यप, जमुई से अजय प्रताप और मृणाल शेखर के नाम शामिल है। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड की मैट्रिक सेंटर परीक्षा 10, 11, 12 व 13 नवंबर को 2 पाली में होना है। पहली पाली में 9:30 से 12:15 व दूसरी पाली में 1:45 से 5 बजे शाम तक होगी। प्रायोगिक परीक्षा 17 व 18 नवंबर को होगी। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के काउंसलिंग चुनाव बाद होने वाली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसे 11 नवंबर से लेने की तैयारी कर रहा है। इसमें 5,500 पदों के लिए लगभग 17,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। विदित हो कि इसमें 51,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, जिसमें से लगभग 1/3 को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। इन दिनों इसके लिए मेरिट लिस्ट भी बनाने का काम हो रहा है। काउंसलिंग 2 पालियों में होगी। इसके लिए 7 टेबल लगाए जाएंगे और हर दिन काउंसलिंग में 245 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसे पूरा होने में 3 महीना लगेंगे।
अगली बड़ी खबर, तेजस्वी को एक और झटका लग गया है। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सचिव परशुराम ने जदयू की सदस्यता ले ली है। प्रदेश जदयू अध्यक्ष व सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें अपने आवास पर दल की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश जदयू महासचिव प्रोफेसर नवीन कुमार आर भी मौजूद रहे। परशुराम तत्वा बक्सर के ब्रह्मपुर निवासी है। जदयू की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि राजद में आम कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, धन बल के बूथों पर लोगों को टिकट मिला है। और अंत की सबसे बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार 14 अक्टूबर से चुनावी प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। इससे पहले वे सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल संवाद कर लेंगे, फिर 14 तारीख से फिजिकल चुनावी प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। जनता दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि इस बार समय कम है तो फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। नीतीश कुमार 14 तारीख से प्रतिदिन 4 फिजिकल चुनावी रैलियां करेंगे, फिर पटना आने के बाद अलग अलग विधानसभाओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे। चौधरी ने बताया कि दिन बहुत छोटा हो रहा है, ऐसे में 4 से ज्यादा सभाएं नहीं की जा सकती है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।